दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल पंचरतन दाल। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हम इसे एकदम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें पांच दालों का पोषण होता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये खाने में, दाल चावल के साथ या फिर जीरा राइस के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप ये रेसिपी जरूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी तो कैसी बनी। दाल बनाने के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये दाल आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सारा मेजरमेंट उसके हिसाब से रखें। तो ये दो कटोरी दाल, तो इस दाल में मैंने करीब तीन से चार कटोरी पानी मिला दिया है। इसे बनाने से दो घंटे पहले मैं सोक कर रही हूँ। तो दोस्तों हमारी जो दाल है वो एकदम से हमने दो घंटे पहले भिगोया था, ये काफी अच्छी तरीके से फूल के रेडी हो गई है। और यहाँ पर हम इसे अब बॉईल करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, गैस जला ली है और यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैं दाल को डालने जा रही हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस दाल का यूज कर रही हूँ ये मार्केट में मिलने वाली रेडीमेड मिक्स दाल है। आप चाहे तो चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल और नॉर्मल तुअर दाल को 1:1 के रेशियो में मिला लें, यानी कि पांचों दालों को आप एक एक मुट्ठी ले लें। और दाल में सूटेबल पानी के लिए हमने जितनी दाल ली है उसका 4 times हम पानी ऐड करेंगे, यानी कि यदि आप 1 cup दाल ले रहे हैं तो आपको 4 cup पानी मिलाना है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करनी हूँ नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों दाल की जल्दी से कुकिंग हो जाए इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1 चम्मच देशी घी। घी ऐड कर देने से कुकर के बाहर दाल कभी भी उफल के नहीं आता है। ये सारी चीजें ऐड कर देने के बाद हम इसकी लीड लगा देंगे और फ्लेम कर देंगे मीडियम। करीब हमें इसमें 5 से 6 सीटियां लगानी है क्योंकि हमारी दाल ऑलरेडी पहले से ही भीगी है इसलिए ये जल्दी रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों सीटियां लग चुकी हैं, ये चेक कर लेते हैं दाल का क्या स्टेटस है। तो आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है, कुछ ये कंसिस्टेंसी है इसकी। आप चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी लिक्विडाइज कर सकते हैं लेकिन जो मिक्स दाल होती है वो गाढ़ी गाढ़ी काफी टेस्टी लगती है। तो दोस्तों दाल को एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद देने के लिए इसमें तड़का लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, गैस जला दिया है और कढ़ाई के थोड़ा सा गर्म होने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ध्यान रहे आपको ये प्रोसेस सरसों के तेल में ही करनी है, अदरवाइज जो टिपिकल ढाबे वाला स्वाद है वो नहीं आ पाएगा। तो तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे करीब 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 2 तेज पत्ता, 4 लाल मिर्चें, करी पत्ता, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें ऑयल में। जैसे ही इन मसालों से थोड़ा सा धुआं निकलने लगे हम ऐड कर देंगे इसमें कटी हुई मीडियम साइज की 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से भून जाएंगे यानी कि प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होने लग जाएगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट,
और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये हमारी दाल को एकदम रेस्टोरेंट वाली या फिर ढाबे वाली फील होगी, फील देगा। तो ये है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब एक छोटा चम्मच चीनी, आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन के रेडी हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटे हुए टमाटर। दो चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर देने से क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं उनकी कुकिंग फास्ट हो जाएगी, ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज टमाटर कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, और इनको थोड़ा सा ऐसे करछी की हेल्प से क्रश करते जाइए। बस ये मसाला हो गया है रेडी। इस स्टेज पे हमने जो दाल बना के रखी थी वो हम इसमें पोर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दाल इसमें पोर कर दी है इन मसालों में, और एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर इसमें दिख रहा है बहुत सारे मसालों के साथ। ये देखिए, यदि आपको दाल काफी गाढ़ी लग रही है दोस्तों तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको साथ में नमक भी ऐड करना पड़ेगा। हम इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा दाल तड़का एकदम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना टेंटिंग लग रहा है। इस स्टेज पे गैस कर देते हैं बंद और इसकी कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों दाल तड़का की अच्छी सी प्लेटिंग करने के लिए मैंने लिया है ये एकदम छोटी वाली कढ़ाई जो रेस्टोरेंट वगैरह वाले यूज करते हैं वो, आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा टेंटिंग है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत ही अच्छी सी प्लेटिंग कर दी है, ये काफी देखने में टेंटिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी है। तो गाइस आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और तो प्लीज यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।